नमस्कार, मैं माधवी चौधरी और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आज टीवी शो की क्वीन एकता कपूर अपना जन्मदिन मना रही है। मशहूर अभिनेता जितेंद्र और शोभा कपूर की बेटी आज टेलीविजन इंडस्ट्री और OTT प्लेटफॉर्म की क्वीन बन चुकी है। साथ ही अपने दर्शकों को कई सारे हिट टेलीविजन शोज भी दे चुकी है। बता दें कि साल 2020 में एकता कपूर को पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब बताते हैं उनकी कुछ रोचक बातें। जब एकता 15 साल की हुई तो उनके पिता ने उन्हें पॉकेट मनी के अलावा पैसे देने से इनकार कर दिया। सुनने में आता है कि जितेंद्र के मना करने के बाद पैसे के लिए एकता कपूर ने एड एजेंसी में काम करना शुरू कर दिया। बता दें कि एकता कपूर शादी कर अपना घर बसाना चाहती थी, लेकिन जब अपने पिता को शादी की बात बताई तो जितेंद्र ने कहा, या तो तुम शादी कर लो या फिर का जो मैं चाहता हूँ। पिता की बात मानते हुए एकता ने एड मेकर कैलाश सुरेंद्रनाथ के साथ इंटर्नशिप करना शुरू कर दिया, जहां वो बाद में जॉब करने लगी। वहीं उनकी करियर की बात करें तो एकता कपूर ने हम पांच, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की, कहीं किसी रोज और कहीं तो होगा जैसे कई बेहतरीन शो से सालों तक दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। टेलीविजन शो प्रोड्यूस करने के अलावा एकता कई हिट बॉलीवुड फिल्में और सीरीज भी प्रोड्यूस कर चुकी हैं। बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड द्वारा साल 2017 में OTT प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी लॉन्च किया गया था, जिसके लिए एकता कई फिल्में और सीरीज प्रोड्यूस कर चुकी हैं। वहीं एकता अपने शो को हिट बनाने के लिए कई सारे टोटके करती हैं। फिंगर रिंग्स जैसी मान्यताओं को मानने वाली एकता के शो के नाम भी काफी चर्चे में रहते हैं। एकता कपूर अपने फिंगर रिंग के कारण जानी जाती है। वो ढेर सारे फिंगर रिंग्स पहनती है, जिस पर उन्हें काफी विश्वास है। एकता का स्टेटमेंट उनका स्टाइल स्टेटमेंट भी बन चुका है। एकता कपूर ने के अक्षर से शुरुआत करते हुए कितने सारे शोज किए हैं। पिता के कहने पर अपने काम में ऐसी व्यस्त हुई कि एकता कपूर ने कभी शादी ही नहीं की। 44 सालों तक कुंवारी रहने के बाद एक्ट्रेस ने 2019 में बिना शादी के ही मां बनने का फैसला कर लिया। प्रोड्यूसर सेलिब्रेसी के जरिए एक बेटे रवि की मां बनी। इस खबर के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।